नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल, एकदम सुनसान। रेप के लिए लोकेशन बुरी नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ कि यहां पहले तुम आई थी कि वो? बोलो बोलो। जी वो, जब मैं आई तो वो टेबल पे बैठ के कुछ पढ़ रहे थे। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे? किताब, मोटी सी किताब। कौन सी मोटी सी किताब? जी वो मैं देख नहीं पाई। कोई बात नहीं, वैसे भी किताब कोई देखने लायक चीज होती भी नहीं। खैर, अब तुम मुझे ये करके दिखा दो कि उस दिन हुआ क्या था। तुम मुझे वहां से बताओ जहां से प्रोफेसर भरद्वाज ने तुम्हें लिपटा करके तुम्हारे कपड़े फाड़ना शुरू किए। हाँ, मान लो कि मैं प्रोफेसर भरद्वाज हूँ। बल्कि यार तुम मुझे शुरू से बताओ ना। ठहरो, हाँ, मैं प्रोफेसर भरद्वाज हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ। तुम वहां से आई तो तुम कहाँ बैठी? जी यहाँ। ओह, तुम खुद यहाँ बैठी थी कि उसने तुम्हें यहाँ बिठाया? जी नहीं, मैं यहाँ दूर बैठी थी। तो उसने तुम्हें पास बुलाया? हाँ। ओह नो, वो खुद सरक कर मेरे पास आया और सवाल का जवाब समझाते समझाते तहत जानवर मुझ पर टूट पड़ा और उसने मुझे जबरदस्ती इस टेबल पे लेटा दिया और मेरी साड़ी खींचने लगा। साड़ी? मगर तुम तो ड्रेस पहनती हो ना? हाँ, ड्रेस। एक मिनट, मैं सागर का रोल कर रही हूँ ना, तो मुझे करने दो। उसने तुम्हें यूं पकड़ के यूं लटाया, करेक्ट? जी हाँ। That's scoundrel. अच्छा, जब उसने ये किया तो तुम क्या कर रही थी? जी अपने आप को बचाने की कोशिश। अच्छा तो करो ना। हाँ। ऐसे कुछ किया था ना उसने? जी हाँ। हाँ? और दरवाजा तक बंद नहीं किया था उसने? ये भी नहीं सोचा कि कोई देख लेगा तो क्या होगा? कॉलेज बंद हो चुका था, कौन आता? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। उसके बाद क्या किया उसने? मुझे पागलों की तरह जोर जोर से दबाने लगा और चूमने लगा। और दरवाजा खुला था जो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तभी वो जल्दी से उठ कर गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। और तुम यहाँ लेटी लेटी उसके आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो लौट कर आए और तुम्हें बर्बाद कर दे। डर के मारे मेरे हाथ पांव जम गए थे। भागने की कोशिश करती तो भी जाती कहाँ, दरवाजा तो बंद था ना। मगर तुम चीखी चिल्लाई तो जरूर होगी। चिल्लाने से क्या होता, सुनने वाला कौन था? क्यों, वो उजागर सिंह था ना, इन सब का आई विटनेस? हाँ था, मैं चिल्लाई थी मगर दरवाजा तो बंद था ना। उजागर सिंह बेचारा आता कैसे? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि उस बेचारे उजागर सिंह ने सब कुछ देखा कैसे? जी की होल से। की होल से? हाँ। इस दरवाजे में की होल कहाँ है कावेरी? देयर इज नो की होल, कहाँ है? और उस दिन तो ड्रेस पहनी हुई थी ना, तो प्रिंसिपल साहब की टेबल के ऊपर साड़ी और ब्लाउज कहाँ से आया बोल? आ जाइए आप लोग। बताओ किसने लिखा ये सारा ड्रामा, बोल? प्रोफेसर शर्मा ने, उन्होंने मुझे लालच दिया था अगर वो प्रिंसिपल बन जाएंगे तो मुझे एग्जाम में पास कर देंगे और मैं उनकी बातों में आ गई और वो सब कर डाला जो मुझे नहीं करना चाहिए था। चल चल चल, ये रहा आई विटनेस, बोल मुझे झूठ बोलने के लिए किसने बोला था? बोल शर्मा जी। सर रे, ले जाओ इसे। प्रोफेसर शर्मा, तुम इतना गिर सकते हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। I am ashamed of you. अपना इस्तीफा लेकर मेरे ऑफिस में मिलिए, जाइए। कावेरी, रो मत, कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी उम्र का है। खूब मन लगाकर पढ़ना, अब चुप हो जाओ, ओके? सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। कहिए। इसे माफ कर दीजिए। ओके। भाभी जी, आप हो गई ना छुट्टी, ये घसीटा है ये राम प्रसाद। तुम्हारा नाम है? तो आप हमारा नाम भी भूल गई? लगता है हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई।
हमने भगवान शंकर के मंदिर में मन्नत मांगी थी कि भाभी जी को जल्दी से भैया के पास बुलवा दे तो हम 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब हम भी ठहरे बेवकूफ, पूछो क्यों। हाँ, मुझे तुम्हारा नाम याद आ गया, पूछो क्यों। क्यों? वो यूं कि पूछो क्यों कहने वाला राम प्रसाद के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। देखा, यही तो चमत्कार है शंकर भगवान का। हाँ। आइए भाभी जी, अंदर आइए। हाँ। और ये सूटकेस हमें दे दीजिए, आइए। राम प्रसाद जी, तुम्हारे भैया तो कॉलेज गए होंगे ना। कॉलेज? हाँ? भाभी जी, आप ये भी भूल गई क्या? यही कि भैया कॉलेज नहीं जाते आजकल, उन पर झूठा इल्जाम लगाकर उनको। और सागरिका तो स्कूल गई होगी। हाँ, मगर सागरिका बिटिया की तबीयत ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, स्कूल से फोन आया था कि आकर ले जाओ, तो सीता मैया गई है लाने। लीजिए, वो आ गई। अरे दीदी आप, अरे मेरा बच्चा। मम्मी आप कब आए? बस अभी भी आए हैं बेटा। क्या हो गया था मेरे रानी बिटिया को? बीमार हो गया था। हाँ मम्मी, मगर आपको देखकर के बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी जान। मम्मी आप फिर से हमें छोड़ के नहीं जाएंगी ना कभी? नहीं बेटा, कभी नहीं जाऊंगी। चलो अब मैं तुम्हें दूध पिला के सुला देती हूँ, ठीक है? मगर आपको भी मेरे साथ सोना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आज से हमेशा हम अपनी बेटी के साथ सोएंगे तुम्हारे कमरे में, ठीक? हाँ मम्मी। चलो दीदी, आप सफर से आई हैं, कुछ खा लीजिए। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, पहले मैं सागरिका को दूध दूध पिलाकर उसे सुलाऊंगी, है ना? तुम सागरिका के कमरे में दूध ले आना। हाँ ठीक है दीदी। चलो 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 चलो। लेकिन सागरिका का कमरा कौन सा है? सागरिका, चलो हम दोनों एक खेल खेलते हैं। हाँ? मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और तुम मुझे अपने कमरे तक ले जाना। हाँ मम्मी। हाँ? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हाँ? चलो चलो। भाभी जी के आने से कितनी खुश हो गई हमारी सागरिका बिटिया, पूछो क्यों। इसलिए कि घर में वापस रौनक आ गई है। क्या नाम है कि? अरे अब तो हमारा नाम याद हो गया होगा, राम प्रसाद। हेलो अंजलि, हेलो गीता, तू कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं तुझे ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी ना कि तू सुन के खुशी से पागल हो जाएगी। अच्छा, मगर वो खुशखबरी है क्या? तुम्हारा सागर बिल्कुल निर्दोष है, उसे झूठे इल्जाम में जबरदस्ती फंसाया गया था। लेकिन कावेरी ने जो सागर के बारे में जो सब कुछ बताया था वो सब एक ड्रामा था। प्रोफेसर शर्मा सागर को कॉलेज से निकलवाकर खुद प्रिंसिपल बनना चाहता था, उसके लिए उसने कावेरी का इस्तेमाल किया। लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया? कावेरी ने खुद मुझे बताया था, वो भी प्रिंसिपल के सामने। गीता, तुम्हारा सागर गंगा की तरह पवित्र है। ओ अंजलि, मैं बता नहीं सकती इस वक्त मैं कितनी खुश हूँ। अगर मेरे पंख होते ना तो मैं उड़कर फौरन वहां जाती, मगर ऐसा नहीं हो सकता है। आज रात को शो जो है ना, जब इतना इंतजार किया है तो 24 घंटे और इंतजार कर लो। आज रात को शो कर लेना और कल सुबह की फ्लाइट पकड़ कर चली आना। जैसे तुम आओगी मैं अपने घर चली जाऊंगी, मगर फिर कभी सागर पर शक मत करना। सागर जैसा पति लाखों में एक होता है, नसीब वालों को ही मिलता है। गीता जैसी पत्नी भी लाखों में एक होती है, सागर नसीब वालों को मिलती है। I love you, गीता। तुम्हें पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। सागर, मुझे अंजलि से पूरी बात तो कर लेने दो। लाओ मैं अंजलि से बात करता हूँ। हेलो अंजलि, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी गीता वापस मिल गई, मेरा उजड़ा हुआ प्यार मुझे वापस मिल गया। हेलो, तुम सुन रही हो ना अंजलि? हाँ सागर, मैं सुन रही हूँ। ये क्या अंजलि, तुम रो रही हो? ये खुशी के आंसू है सागर, तुमने अपने गीता को माफ कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया सागर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए अंजलि, गीता को मेरे जीवन में लाने वाली तुम ही तो हो। अगर मुझे और भी जन्म लेने पड़े तो मैं हर जन्म में गीता को ही अपना जीवन साथी बनाऊंगा। बाय अंजलि। ओ सागर, तुमसे मिलने में अभी 24 घंटे बाकी हैं।
सब 24 घंटे बीतेंगे और तुम मुझे अपने बाहों में समेट लोगे। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, लंदन में मेरे पति का खून किया गया। खून? हाँ। किसने किया खून? वो शख्स कोई और नहीं, आपका मैनेजर पीडी है। पीडी? और खूनी? वो सिर्फ खूनी ही नहीं, स्मगलर भी है। शायद आपको मालूम नहीं, वो आपके प्रोग्राम की आड़ में हशीश और हीरोइन की स्मगलिंग करता है। स्मगलिंग? कैसे? वो आपके म्यूजिशियंस की मदद से उनके इंस्ट्रूमेंट्स में छिपाकर ये चीजें विदेश ले जाता है और वहां से लाखों रुपए कमाकर यहां ले आता है। ओह माय गॉड, मगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, और फिर मेरे पति भी तो उसके साथ काम करते थे ना, इसीलिए मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने की हिम्मत नहीं कर सकी। मगर आज सुबह के अखबार में मैंने पढ़ा कि आप बैंकॉक शो के लिए जा रही हैं। इस शो में भी पीटी जरूर किसी ना किसी तरह नशीली चीजें लेकर जाएगा। मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि पीटी की वजह से आप पर कोई मुसीबत आए। बस मैं तो आपको इतना ही बताने आई थी, अगर आप चाहें तो पुलिस को खबर करके उस खूनी पीड़ी को जरूर पकड़वा सकती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। एक्चुअली अंजलि, ये मूर्ति काफी कीमती है, इसे संभाल कर रखना। हे भगवान, अंजलि इतनी खतरनाक लोगों के साथ काम कर रही थी। हेलो, हाँ मैं गीता बोल रही हूँ। क्या एक्सीडेंट? कैसे? हमारे मैम साहब स्टेज पे शो कर रही थी, अचानक बम फट जाने से उनकी मौत हो गई। नहीं, क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? हुआ क्या? ऐसा नहीं, नहीं। क्या हुआ? उन लोगों ने गीता को मार डाला। कौन गीता? गीता तो तुम हो। नहीं, मैं गीता नहीं हूँ, मैं अंजलि हूँ। ये क्या पागलपन है? अंजलि हूँ, अंजलि हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम गीता से अंजलि कैसे बन गई? सागर, मैं गीता बनकर सच्चाई का पता लगाने आई थी। अभी थोड़ी देर पहले तुमसे फोन पर बात कर रही थी, अचानक क्या हो गया? इसका मतलब जिससे मैंने फोन पर बात की वो गीता थी। उन लोगों ने उसे अंजलि समझ के मार डाला। किन लोगों ने मार डाला? किसने उसे मार डाला? किसने मारा मेरी गीता को? ये सब मैं नहीं जानती। सागर, हमें इस वक्त वहां जाना होगा। किसी वक्त वहां जाना होगा सागर। अंजलि, विश्वास नहीं हो रहा। एक पल पहले तुम्हारी वजह से मेरी वीरान जिंदगी में बाहर आ गई थी, और दूसरे पल तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी फिर से उजड़ गई। मेरी गीता को तुमने मुझसे छीन लिया। बोलो अंजलि, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सागर, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, उसके लिए तुम जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। लेकिन अगर अभी हम उसके पास नहीं गए तो गीता के कातिलों को भागने का मौका मिल जाएगा। जल्दी करो सागर, हम सागरिका को
राम प्रसाद और सीता के पास छोड़कर जाएंगे। राम प्रसाद, राम प्रसाद, सीता, क्या हुआ मामी? सीता, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटे। क्या हुआ भाभी जी? राम प्रसाद, क्या हुआ? मेरी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हमें फौरन वहां जाना होगा। तुम तब तक सागरी का ख्याल रखना। अच्छा, आप बेफिक्र रहिए भाभी जी, हम इसका ख्याल रखेंगे। दीदी चलो सागर, जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी आप मौसी के यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेंगी ना? उनकी ठीक होती ही आ जाएंगी ना? हाँ बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ चलो। अंजलि जी, ये वो मैसेज है जिसे आपकी बहन ने लिखकर 100 रुपए के नोट में फोल्ड किया था, मगर अफसोस यह हमें बहुत देर से मिला, वरना हम आपकी बहन की जान बचा सकते थे। बाय द वे, आप पीढ़ी को कितने सालों से जानती थी? यही कोई 7-8 साल से। इतने लंबे अरसे से आप उन्हें जानती थी, इस दौरान आपको कभी इस बात का शक नहीं हुआ कि वो नशीली चीजों की स्मगलिंग करता था? नहीं एसपी साहब, कभी नहीं। लगता है बम ब्लास्ट के बाद वो कहीं अंडरग्राउंड चला गया है, बट वी विल अरेस्ट दैट स्काउंडरल। मिस्टर भरद्वाज, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी पत्नी के मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी। देखिए एसपी साहब, आपको उनको जो सजा देनी दीजिए, लेकिन इससे मेरी गीता वापस तो नहीं आ जाएगी। अब मैं और यहां रुकना नहीं चाहता, घर वापस जाना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सागर, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, और मैंने जो गुनाह किया है उसके लिए शायद तुम कभी मुझे माफ नहीं कर सकोगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है सागरिका, मुझे अपनी माँ समझती है, उसे ये कभी मत पता लगने देना कि उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। और हाँ, सागरिका को कभी मेरी याद आए तो उसे मेरे पास भेज देना। तुम्हारे पास भेज देने से माँ की कमी तो नहीं पूरी हो जाएगी।